दोस्तों मैं हूं दीपेश। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के 12th लेवल की वैकेंसी जो सीएचएसएल के नाम से आती है। दोस्तों जी हां, सीएचएसएल के बारे में कंप्लीट हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में कि कौन इसको भर सकते हैं, कितने पढ़े लिखे लोग भर सकते हैं और कितना पेमेंट लगना है, कब से कब तक भरना है, कितने एज के लोग भर सकते हैं और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो कंप्लीट इस वीडियो में चर्चा करने वाले, यदि आपको एसएससी के 12th लेवल की वैकेंसी भरनी है जो सीएचएसएल के नाम से चर्चित है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको नोटिफिकेशन में जो मेन कंटेंट आपको पढ़ने वाली होती है, जानने वाली, समझने वाली होती है, उसके बारे में मैं आपको बताया हूं। चलिए शुरू कर लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा जो कि एसएससी का नोटिफिकेशन है जो कि 1 फरवरी 2022 यानी कि 1/2/2022 को जारी किया गया है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा एकदम डेट दिया गया है और जो ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन का कंप्लीट देखिए इन्होंने क्या लिखा है। वेबसाइट सबसे ऊपर में दिया है और ये उसका दोनों का एड्रेस है। नोटिफिकेशन के बारे में और भी चीज़ों के बारे में इन्होंने क्या लिखा है कि नोटिस कंबाइंड हायर सेकेंडरी प्लस टू लेवल एग्जामिनेशन 2021। ये दोस्तों 2021 के नाम से ये चर्चित है, हालांकि लेट से आ रहा है इसलिए 2021 लिखा हुआ यहाँ पर, लेकिन ये 2022 में अभी भरा रहा है। इसको हम लोग नोटिफिकेशन 2021 के नाम से ही जानेंगे, लेकिन फॉर्म आपका अब जो फरवरी 22 में भराएगा। तो कब से कब तक क्या भराएगा इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने डेट के बारे में ही ऊपर में लिख दिया है कि कब से कब तक क्या कर सकते हैं आप। देखिए सबसे टॉप में जो क्या लिखा है इन्होंने आपको, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो आपको 1/2/2022 से 7/3/2022 तक, लगभग एक महीना से ज़्यादा उन्होंने समय आपको दिया है, 1 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक इसके फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। उसके अलावा सेकेंड लाइन में क्या लिखा है, लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन को जो रिसिप्ट निकाल सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, वो आपको 7/3/2022 तक यानी कि 7 तक ही आपको उसका प्रिंट भी निकालना है। और ऑनलाइन पेमेंट वगैरह जो भी है आपको है 8/3 तक आप कर सकते हैं, एक दिन के बाद भी आप पेमेंट कर सकते हैं यदि आपका पेमेंट छूट गया है तो, लेकिन आप प्रयास करें कि 7/3 तक ही कर ले, क्योंकि एसएससी का साइट हर वर्ष मोटा मोटी जब भी एसएससी का सीएचएसएल हो कि एमटीएस हो, सर्वर लास्ट का जो टाइम है 10 दिन 5 दिन का डाउन होता ही होता है। तो आप उस डाउन से बचने के लिए क्या करें कि अपने फॉर्म को आप 8 दिन 10 दिन पहले ही फिल कर ले, लास्ट के इंतजार में ना रहे, ठीक है। उसके अलावा और भी जो चेंज मेन चीजें हम लोग को जानने वाली बात है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या जानने वाली बात है कि जो एग्जाम जो ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन इसका होना है वो कब का होना है, इसके बारे में भी इन्होंने नीचे में लिख दिया है। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 1, इसमें 2 एग्जामिनेशन होते हैं, तो टायर 1 जो है उसका एग्जामिनेशन आपका मई 2022 में लेना है। और टायर 2 के बारे में इन्होंने क्या लिखा है, टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी कि हम लोग बाद में इसके बारे में घोषणा करेंगे, क्योंकि देखिए टायर 1 जब क्लियर हो जाती है, कितना वैकेंसीज गिरते हैं, कितने लोग गिरते हैं, उसके हिसाब से उसको टाइम लेता है एग्जामिनेशन लेने में। तो एग्जैक्ट एक डेट नहीं दिया उन्होंने कब से कब तक एग्ज़ाम हम लेंगे, मई में मोटा मोटी लिखा है कि मई में एग्ज़ाम आपका हम लेंगे, जब एग्ज़ाम होगा तो फिर रिजल्ट है, उसके बाद तो टायर 2 का घोषणा किया जाएगा। उसके अलावा पे स्केल वगैरह की बात करी गई है इसमें, देखिए लोअर डिविजन क्लर्क के बारे में क्या लिखा है इन्होंने, जो LDC पद है इसमें लोअर डिविजन क्लर्क, उसके बारे में आपका पे लेवल 2 का स्केल 19,900 से लेकर 63,200 तक का आपको स्केल मिलने वाला है जो कि लेवल 2 का है। उसके अलावा पोस्टल जो PA है, पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट को बोलते हैं PA या फिर SA, उसके लिए लेवल 4 का जो इसमें सैलरी मिलने वाला आपको 25,500 से लेकर 81,100 का आपको स्केल इसमें होने वाला है। इसमें ज्यादा आपको मिल रहा है, वैकेंसी तो कम होती है लेकिन सैलरी इसमें ज्यादा है आपको। उसके अलावा इसमें देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO का जो पद है, इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है, उसमें लेवल 4 का आपको सैलरी मिल रहा 25,500 से 81,100 तक का आपको इसमें सैलरी मिल जाता है। उसका डाटा एंट्री ऑपरेटर जो ग्रेड A है उसमें आपका अच्छा खासा है जो कि लेवल 4 का 25,500 से 81,000, यानी आपको कहा जाए यदि आपको तो सिर्फ LDC छोड़ करके और जो भी पद है उस सब में आपको 25,000 प्लस का स्केल मिल रहा है। आपको सिर्फ LDC की बात करें तो उसमें आपको 19-20,000 के आसपे 20,000 के आसपास का स्केल मिल रहा है, नहीं तो आपको सबका पे स्केल जो है वो मस्त है। उसके अलावा वैकेंसीज के बारे में क्या लिखा है इन्होंने,
कहाँ पे आपको जाना है, कैसे जाना है, तो उसके बारे में लिखा है। उसके अलावा जो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो वो एससी एसटी ओबीसी की जो भी कैटेगरीज के लोग आते हैं उसके अपने हिसाब से इन्होंने क्या रखा है, आपका उसका रिजर्वेशन रखा है। यदि आप एससी एसटी ओबीसी आते हैं तो उसके लिए आपको रिजर्वेशन के लिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो रेडी रखना होगा करेंट में, तभी आपको उसका फ़ायदा मिलने वाला। यदि आपको वो नहीं होता तो फिर शायद आपको प्रॉब्लम आ सकता है। उसके अलावा जो पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट जो विकलांग कैंडिडेट है, दिव्यांग जिसको बोलते हैं हमारे देश में, उसके लिए भी उन्होंने क्या क्या रखी है, कुछ कुछ शर्तें हैं उनके बारे में भी यहाँ पर आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या रखी गई है। उसके अलावा और चीज़ों पर चर्चा हम लोग आगे बढ़े कर लेते हैं। उसके अलावा आपके स्क्रीन पर ये सब कुछ कुछ शॉर्ट का फुल फॉर्म आपको दिख रहा होगा, जैसे कि बी का मतलब क्या होता है, एलबी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, ये सब आप चीज़ों के लिए समझने की चीज़ है। यदि आपको नोटिफिकेशन से पढ़ने में, जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको शॉर्ट में इन सब जगहों पर आपका डिटेल्स लिखा जा गया है, तो इनको कैसे समझेंगे किसका मतलब क्या होता है, तो वो उन्होंने यहाँ पर लिखा गया है उनके द्वारा। नेशनलिटी की बात करें हम, सिटीजनशिप की, यानी कि कौन लोग इसको भर सकते हैं, कहाँ के नागरिक इसको भर सकते हैं, तो सिटीजन ऑफ इंडिया तो एनी हाउ भर सकते, कोई दिक्कत नहीं। नेपाल के लोग, भूटान के लोग और इन सब जगहों के लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑफ कोर्स यदि आप इंडियन सुन रहे हैं हमें तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप तो भर ही सकते हैं। यदि इंडिया के बाहर भी आप, नेपाल के, भूटान के और इन सब जगहों के लोग आप हैं तो आप भर सकते हैं, कोई समस्या आपके लिए नहीं रह जाती है। उसके अलावा एज लिमिट की हम लोग जो बात कर लेते हैं कि एज कितने होने चाहिए, कितने साल के एज के लोग इसको फॉर्म भरेंगे, तो देखिए उन्होंने क्या रखी है बात कि कब, किस डेट में एज को हम लोग कहा जाए, ये बड़ी बात है। हम लोग कह देंगे 18 वर्ष, लेकिन किस डेट में 18 वर्ष, तो ये है 1/1/2022। ये दोस्तों आपको नोट करने की चीज है, 1 जनवरी 2022 को आपका 18 वर्ष मिनिमम और 27 वर्ष आपका मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि 1/1/2022 को 18 वर्ष और आपको 27 वर्ष आपका मैक्सिमम होना चाहिए। ये तो जनरल के लिए है। यदि आप ओबीसी आते हैं तो आपको 3 साल का छूट, और यदि एससी एसटी आते हैं तो आपको 5 साल का छूट मिल जाता है। देखिए आपके स्क्रीन पर ही लिखा हुआ है, यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं आपको 5 साल का आपको मिल जाता है छूट, और यदि आप ओबीसी आते हैं तो आपको स्पेशली देखिए यहाँ पर 3 साल का छूट मिल जाता है। यदि आप जनरल के पीडब्ल्यूडी यानी विकलांग आते हैं तो आपको 10-10 साल का छूट मिल जाता है। यदि आप ओबीसी के विकलांग आते हैं तो आपको 13 साल का छूट, यदि आप एससी एसटी के विकलांग आते हैं तो 15-15 साल का छूट मिल जाता है, यानी कि 27 और 15 आपको 42 साल तक के एज में आप भर सकते हैं, तभी भी आप जाकर के नौकरी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये तो एज की बात हम लोग कर रहे थे। उसके अलावा और भी जो जानने वाली बात है, बहुत लंबा चौड़ा ये है 65 पेज का नोटिफिकेशन, जिसमें आपको तमाम चीज़ों के बारे में लिखा गया है। हम लोग 65 पेज तक भी जो मेन कंटेंट है उसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि और आपके जानने वाली क्या चीज़ें हैं। देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपका 7/3/2022 तक क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए क्वालिफिकेशन जो आपका है वो आपका 7/3/2022 यानी कि 7/3/2022 तक आपका क्वालिफिकेशन रेडी हो जाना चाहिए इस फॉर्म के लिए। जैसे कि 4 LDC JSA PASA DEO जो भी पद है उसके लिए क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर्म रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यानी कि जो 12th पास होना चाहिए, इंटर पास सिंपल, इसमें स्पेशल ये नहीं कि आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो या फिर आर्ट से हो, आप किसी भी सब्जेक्ट से पास हो, किसी भी स्ट्रीम से पास हो, तो आपके लिए ये फील करने लायक है। यानी कि मात्र 12th पास आपका होना चाहिए, वह भी आपका 7/3/2022 7/3/2022 तक के पास किए गए लोग इसको भर सकते हैं। यदि उसके बाद वो पास करते हैं कि किसी भी इस तरह के एग्ज़ाम को, तो वो इस फॉर्म को नहीं भर पाते हैं, वो इससे छूट जाएंगे। 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में क्या लिखा है इन्होंने, 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO ग्रेड A जो है आपका, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑथर जनरल ऑफ इंडिया, 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको जो 12th के साथ में आपको प्लस साइंस आपका होना चाहिए। यदि आप साइंस के साथ आप नहीं किए तो आप इस फॉर्म को आप नहीं भर सकेंगे, सिर्फ आपको 12th से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे 12th के साथ आपको साइंस पेपर होना चाहिए, 12th प्लस साइंस आपको होना चाहिए, 12th प्लस
आपका साइंस होना चाहिए। यदि आप 12th प्लस साइंस नहीं है तो आप इस डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए एलिजिबल नहीं है, आप उसके फॉर्म को आप नहीं भर पाएंगे। तो एनी हाउ आपको ध्यान देना है कि आपका क्वालिफिकेशन किस तरह का है, तो उस तरह के पद में ही आप जाए। हाउ टू अप्लाई का सेक्शन यहाँ पे आता है, जिसमें कि आपको कैफे वाला का काम बचता है कि आपको अप्लाई करना कैसे है। तो ये वेबसाइट है उसका, जहाँ करके आपको जाना है, रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर जाना है और रजिस्टर करके आपको लॉग इन पे करके आपको फॉर्म भर लेना है। यदि आपको पहले से रजिस्टर्ड है तो आपका पुराना यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके आप इस फॉर्म को सिर्फ फी पेमेंट करके आप फोटो अपलोड करके आप इसको कर सकते हैं कंप्लीट। उसके अलावा फोटोग्राफ और सिग्नेचर की बात भी इन्होंने करी है कि ऑनलाइन में किस तरह का फोटो और साइन होना चाहिए। तो आपका फोटोग्राफ और जो साइन आपका होना चाहिए वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, बिल्कुल डेट वाला फोटो होना चाहिए। आपका फोटो के नीचे में आपका डेट होना जाना चाहिए और वह 20 से 5 KB से लेकर 20 KB तक के साइज को आप फोटो को आप अपलोड कर सकते हैं। साइज जो आपका साइन होना चाहिए वह भी आपका ब्लैक पेन से करें तो बेहतर है, तो ब्लू डीप कलर के पेन से भी आप कर सकते हैं, उसको कोई समस्या नहीं रह जाती है। उसके अलावा और भी जो जानने वाली बात है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं, जो कि मेन फी है। एप्लीकेशन फ़ी किसके लिए क्या है, देखिए फ़ी आपका जो है 100 रुपीज़ है, यानी 100 रुपये का पेमेंट मात्र है, जो कि SSC सब दिन से करती आती है। तो 100 रुपये का पेमेंट आपको मात्र इसमें लगना होता है। यदि आप SC ST के कैंडिडेट हैं या फिर विकलांग है या फिर फीमेल पर्सन है तो आपको फ़ी इसमें नहीं लगना है, उसके लिए कोई फ़ी नहीं है, नो फी की बात कही जा रही है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यदि आप जनरल या OBC के मेल कैंडिडेट हैं तो आपको एनी हो आपको 100 रुपये का आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा, और वो भी पेमेंट आपको भीम UPI, नेट बैंकिंग या वीज़ा कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, इन सब कार्ड्स के माध्यम से आप कर सकेंगे 8-3 यानी कि 8 मार्च तक में उसके फॉर्म को आप कर आपको उसके पेमेंट को कर देना है। यदि आप 8 मार्च तक भी आप पेमेंट, लेकिन 8 मार्च तक पेमेंट कौन कर सकता है, यदि आपका सिर्फ पेमेंट छूटा है तो आप 8 मार्च तक कर सकते हैं। यदि आपका आप फॉर्म ही नहीं भरे हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए तो ऐसा इस मतलब नहीं है कि आप नेक्स्ट स्टेप और पेमेंट भी कर सकते हैं 8 तक, सो नहीं। यदि आपका सिर्फ पेमेंट छूटा है तो आप पेमेंट के लिए सिर्फ 8 तारीख को ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। उसके अलावा विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन के लिए, जैसे कि SSC पहले करेक्शन की बात नहीं कर रही थी, आजकल करेक्शन की ही बात कर लेती है, तो एप्लीकेशन करेक्शन की बात यहाँ पर 11/3 से लेकर के 15/3 तक दिया गया। 11 मार्च से लेकर के 15 मार्च के बीच आप एप्लीकेशन को करेक्शन कर सकते हैं। यदि आपको कुछ गलती किया है तो उस चीज़ों को आप चेंज कर पाते हैं, सुधार पाते हैं। उसके अलावा जो है इसमें जो करेक्शन चार्ज है 200 रुपया रखा गया, 200 रुपया मेकिंग करेक्शन फी रिसबमिटिंग मॉडिफाइंग और फर्स्ट टाइम एंड मेकिंग करेक्शन रिसबमिटिंग मॉडिफाइंग, यानी कि आप दो बार कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम आपको 200 लगेगा, सेकेंड टाइम आपको 500 का पेमेंट करना पड़ेगा करेक्शन के लिए। करेक्शन आपका फ्री नहीं है, अपने मन से आप जब मन तब नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको पेमेंट देना होगा। दो बार करिएगा तो एक बार आपको 200 का कटाना होगा पेमेंट, दूसरा बार करिएगा आपको 500 रुपये का पेमेंट आपको भीम UPI या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको कराना पड़ेगा। एग्जामिनेशन सेंटर की बात हम लोग कर लेते हैं, तो एग्जामिनेशन सेंटर हर एक रीजन में अपना अपना सेंटर, जैसे कि मान लीजिए सबसे टॉप में आपको बिहार और उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, ये CR इसको बोलते हैं, सेंट्रल रीजन बोलते हैं, CR मतलब सेंट्रल रीजन बोलते हैं हम। इसमें ये देखिए ये सब सेंटर्स हैं, आपको भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, पूर्णिया है, आगरा है, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी आपको होने वाले हैं। यदि आप बिहार के कैंडिडेट हो तो आप बिहार के लिए आपको मैं बता दूँ, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, ये आपका सेंटर इसमें रहने वाला है। इन सब जगहों पर आप फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं। आपको 3 सेंटर आपसे पूछता है ये SSC की, भैया आपको कहाँ लेना है। इसी हिसाब से हम लोग और भी जो रीजन्स इसमें आते हैं, जैसे कि आपका ये अंडमान निकोबर वाला है या फिर आपका कर्नाटका वाला या मध्य प्रदेश वाला, सबके लिए ये सब सेंटर्स रखे गए हैं। तो आप जो फॉर्म भरने जाएंगे उसमें तो आपका कंप्लीट लिस्ट उसमें आता है, आप उस लिस्ट के हिसाब से चुन सकते हैं। लेकिन आपको जिस रीजन में आप एक सेंटर लेंगे उसी रीजन में आपको बाकी दो सेंटर भी लेना पड़ेगा, यानी कि तीनों का तीनों जो आपका सेंटर एग्जाम का होता है वो आपको एक ही रीजन में आपको लेने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं कि एक आपको सेंटर में लेना है, एक आपको वेस्ट में लेना है, ऐसा नहीं होता है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि वो क्या है, तो वो आपका कंप्यूटर बेस्ड है। देखिए आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका CBT है, यानी कि कंप्यूटर पे आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। उसके अलावा Tier 1 का जो आपका जो शॉर्ट में सिलेबस के बारे में इन्होंने क्या लिखा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए
पार्ट वन में इंग्लिश लैंग्वेज आपका बेसिक नॉलेज आपका होना चाहिए, वो है आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ मार्क्स जो है आपका 25 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 25 और मैक्सिमम मार्क्स आपका 50, यानी कि एक क्वेश्चन में आपका 2 मार्क्स आपको रहने वाला है। और नंबर 2 में क्या है, जनरल इंटेलिजेंस राइट्स में आपको 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। और नंबर 3 में क्या, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि बेसिक जो है आपका एथमेटिक स्किल, वो आपका 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। और नंबर 4 में क्या है, जनरल अवेयरनेस है यहाँ पे 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। यानी आपको टाइम की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 60 मिनट आपको मिल जाते हैं, उसके अलावा 80 मिनट मिलते हैं उसके लिए जो कि DQ है, विकलांग है उसके लिए है। यदि आप स्वस्थ हेल्दी है तो आपको 60 मिनट, लेकिन 1 घंटा में कंप्लीट क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, यानी 100 क्वेश्चन आपको है, 200 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 100 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। उसके अलावा आप इसमें जो आपका माइनस मार्किंग की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो निगेटिव मार्किंग की बात यहाँ पे कर रही कि ये 0 जो है 5-0, यानी कि यदि आप 2 क्वेश्चन गलती करते तो आपका 1 नंबर इसमें आपका कट जाता है, 1 नंबर में 1 क्वेश्चन में आपका आधा मार्क्स कटता है। उसके अलावा डिटेल्स इसमें जो है सिलेबस ही बताया गया है, कौन कौन आपको टॉपिक्स आए, जैसे कि इंग्लिश में आपका ये सब टॉपिक है, आपका जनरल जो इंटेलिजेंस है इसमें ये सब जो टॉपिक्स इसमें आते हैं, वो सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेट वीडियो में हमारा आप जरूर देख पाएंगे। यदि उसमें आपको सिलेबस से इंटरेस्ट है तो आपकी कंप्लीट डिटेल्स हम लोग बात करी है, एक एक करके किसमें क्या पूछा जाएगा आपको, उसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप जरूर देख ले। उसके अलावा और भी चीज़ जो आपको जानने वाली बात है वो उसके ऊपर हम चलते हैं आगे बढ़ के। देखिए जो आपको फॉर्म वगैरह के लिए, जो जैसे कि आप फॉर्म भरते समय में आपके को प्रूफ मांगा जाएगा, तो उसमें आपको आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, पासपोर्ट या जिस तरह के जो भी कार्ड आपके पास है तो उसको आप ले करके जरूर जाएँ, क्योंकि वो आपके काम का चीज़ होगा। वो आप नहीं लेके जाएंगे तो आपका एग्जामिनेशन में आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपको वेरिफिकेशन में ही वापस आना पड़ेगा। आप फोटो ज़रूर डेट वाला दें, डेट में नीचे में आपका डेट करंट ईयर का होना चाहिए, जो जिससे डेट में आप फोटो खिंचवाएं वो डेट आपका होना चाहिए, और वो डेट आपको फॉर्म में मेंशन भी करना होता है। इसके अलावा शायद आपको शायद कुछ बचा नहीं है इस फॉर्म के बारे में जानने के लिए, यदि और कुछ भी है तो हम आपको फिर से कमेंट भी बताएंगे, आप मुझे कमेंट तो करिए, क्योंकि इस फॉर्म में हमने क्या जाना है कि कब से कब तक भर सकते हैं। तो इसको 7 मार्च तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। कौन भर सकते हैं, तो 12th वाले भर सकते हैं, जो इंटर के बच्चे हैं, इंटर पास कर चुके हैं, 7 मार्च तक उसको एनी हाउ पास कर जाना है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा कुछ पद हैं जो कि 12th में साइंस वाले भर सकते हैं, जैसे DU वगैरह का पद आता है तो वो साइंस में मैथ वाले लोग भर सकते हैं, आर्ट्स कॉमर्स वाले उसको नहीं भर सकते हैं। उसके अलावा एज की बात करेंगे तो 18 से 27 वर्ष के एज भर सकते हैं, यदि आप जनरल में आते हैं तो, यदि आप OBC में आ सकते हैं तो 30 वर्ष तक के एज भर सकते हैं, SC ST में आते हैं तो आपको 32 वर्ष के लोग इसको भर सकते हैं। डेट की बात हम लोग करें तो वो आप 7 मार्च तक के लोग भरेंगे। उसके अलावा और क्या चीज़ है, फ़ोटो आपको डेट वाला लगना है, पेमेंट आपका अच्छा खासा 20,000 प्लस का स्केल आपको इसमें मिल जाता है, तो एनी हाउ आपके लिए बहुत ही मस्त होने वाला है, तो इस फॉर्म को आप ज़रूर भरें। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसके फॉर्म को कब से कब तक, लास्ट डेट जैसे आपका 7 मार्च है तो अफकोर्स आपको फरवरी में ही भर लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको मार्च में साइड हो सकता है नहीं खुले, दिन में जल्दी काम नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग होता है कैफे वाले कि रात में जग जग के काम करते हैं, आपका एक्स्ट्रा आपसे अमाउंट ले लेते हैं, तो उससे आप बचें और आपका फॉर्म छूटे नहीं, तो आप फर्स्ट ही आप जो फर्स्ट हाफ मंथ में आप इसको भर ले तो बेहतर है आपके लिए। यदि आपको कुछ और छूटा है इस फॉर्म से संबंधित जानकारी लेने के लिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दे दूंगा। कमेंट का बहुत वेटिंग करते रहते हैं कि हमेशा भैया मुझे आप कमेंट करो, मैं उसका जवाब दूंगा, मुझे बहुत खुशी होती है इसके लेकर के। यदि आपको और भी कुछ दिक्कतें हैं तो मुझे कमेंट से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।